एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने अपनी वॉइस के साथ वीडियोस अपलोड करी हैं। आज पहली बार मैं अपने फेस के साथ वीडियोस अपलोड करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो मैं आज बनाने जा रही हूँ वो विदाउट फेस आपको नहीं पता चलेगा। मैं आज आपको एक क्रीम और पाउडर का रिव्यू देने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वह ये वाइटन क्रीम और यह है वाइटन पाउडर। तो फ्रेंड्स, यह दोनों ही काफ़ी इफेक्टिव है डेली वियर लाइफ में। फ्रेंड्स, अगर आपको भी मेरी तरह डेली वियर में मेकअप करना बिल्कुल नहीं पसंद, तो आप इस क्रीम और पाउडर की मदद से अपनी स्किन पर एक नॉर्मल सा मेकअप कर सकते हैं और एक फेस ग्लोइंग फेस पा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने इन दोनों की मदद से कैसे मेकअप करना है मैं आज आपको इस वीडियो में वही बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपने सबसे पहले अपनी हथेलियों पर एक थोड़ी सी क्रीम लेनी है। तो फ्रेंड्स, इतनी सी क्रीम लेनी है आपने और इसे पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। जैसे आप नॉर्मल क्रीम को करते हैं ये उसी की तरह है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। फ्रेंड्स, ये मॉइस्चराइज़र क्रीम भी है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगी और आपकी स्किन को ग्लोइंग भी बनाएगी। यह डेली वियर के लिए भी बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स, इसने मेरे चेहरे पर थोड़ा बहुत ग्लो लाया है। तो फ्रेंड्स, इस क्रीम के बाद आपने अप्लाई करना है इसका वाइट टोन का ही पाउडर। तो फ्रेंड्स, यह आपने नॉर्मल पाउडर लेना है, किसी स्पॉन्ज की मदद से इसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, इसे आप नेक पे भी ज़रूर लगाइए। तो फ्रेंड्स आपने देखा मेरा विदाउट क्रीम और पाउडर लगाने से पहले और अब। मुझे मैंने कोई बेस, कोई कुछ फाउंडेशन नहीं लगाई है और बस मैंने ये क्रीम पाउडर लगाए हैं। आपको लिपस्टिक लगा के दिखा देती हूँ। यह मैंने LA18 का पीच कलर लगाया है। फ्रेंड्स, यह है मेरा डेली वियर लुक। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी डेली वियर में कोई मेकअप करना नहीं चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस क्रीम वाइट टोन क्रीम और वाइट टोन पाउडर की मदद से आप एक ग्लोइंग चेहरा पा सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा है डेली वियर लाइफ के लिए, अगर आप मेकअप करना पसंद नहीं करते हैं और ग्लोइंग चेहरा भी पाना चाहते हैं। यह नॉर्मल सा लुक है मेरा। फ्रेंड्स, यह था मेरा आज का प्रोडक्ट का रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, यू ऑल टेक केयर।